आपको खुश आमदीद। हमेशा की तरह आज भी हमारे पास बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, बहुत ही अच्छी गेस्ट है। आपकी नॉलेज के लिए हमेशा हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किल से बढ़ के क्या क्या चीजें जो है उन्होंने फेस करने के बाद वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। यानी अच्छा, अक्सर आप लोगों ने सुना हमारे अक्सर गेस्ट क्या कहते हैं कि जी सक्सेस क्या है, हमें तो आज भी लगता है कि हम कामयाब नहीं है, अभी भी हमें बहुत कुछ हासिल करना हमारे लिए बाकी है। तो हमारी आज की जो गेस्ट है वो भी आपको बताएंगी कि जी कैसे अपने मराहिल को तय करके यहाँ तक पहुँची हैं, उनके पीछे कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह काम करते हैं। तो मिलवाते हैं आपको लुबना पंजवानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया बुलाने का, थैंक यू सो मच। आप आए बिल्कुल सुबह, अक्सर लोगों के साथ, खैर आप तो एजुकेशन से रिलेट हैं और सुबह ही उठ जाती होंगी और सुबह ही अपने कामों पे निकल जाती होंगी। जैसा कि मुख्तलिफ आप देखें, जो ख़वातीन होती हैं वो सिर्फ घर को ही नहीं बाहर के बच्चों को भी सब सिखा रही हैं, बता रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी बहुत से लोग कहते हैं कि इट्स अ बेड ऑफ रोज़ेस, मगर मैं कहती हूँ कि ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह लेते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोज़ेस, बट कौन कहता है बेड ऑफ रोज़ेस? ओके, बट इफ यू थिंक इट पॉजिटिवली, यस इट इज। द ओनली थिंग इज हाउ यू लुक एट इट। पर्सपेक्टिव आपका अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो बहुत खुशगवार है। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो हर वक्त हर मरहले पे आपको मुश्किल नजर आएगी। वैसे लुबना, नेगेटिव तो हमारी जिंदगी का ना एक हिस्सा ही बन गया है। अगर आप आजकल के हालात देखें किसी भी तरीके से, हम पूरी पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम सिर्फ कराची की ही अगर बात करते हैं, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो चीजें नजर ऐसी आ ही जाती है कि आप ना चाहते हुए भी आपको नेगेटिव होना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग आपकी सोच बदल देते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वही वाली बात है कि जब हम कहते हैं ना कि हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी, तो ये हम पर डिपेंड करता है। पूरी हमारी माइंड साइंसेस है जो हमारे सोचने का अंदाज, हमारे सोचने का रवैया शुरू से हमारी तबीयत के अंदर एक हिस्सा बन जाती है। तो ये हमारे ब्रॉट अप का एक बहुत बड़ा इसमें एक रोल होता है और हमारी जिंदगी जिस तरह से आगे चलती जाती है, प्रमाण चढ़ते हैं हम, जैसे हमारी लाइफ में जो लोग आते हैं वो अगर पॉजिटिव लोग होते हैं तो कहते हैं यू लर्न टू लिव द वे पीपल आर अराउंड यू। तो जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं अगर उन्होंने पॉजिटिव नेचर रखा हुआ होता है आपके सामने, तो वो आपको लेके चलता है। अगर आप, मैं आपको एक मिसाल अभी दे सकती हूँ। वेरी रिसेंटली आई लॉस्ट माई एल्डर सिस्टर बिकॉज ऑफ कैंसर। अचानक ही उनका कैंसर डायग्नोस हुआ और आई लॉस्ट हर। And I told my father, you know, I'm so upset. I have a 93-year-old father. एक बाप के लिए बेटी का खोना बहुत मुश्किल बात है। And I said, I'm so upset, you know, I lost my elder sister. And she said, you know, but I'm very positive about it. क्योंकि वो जब बीमार थी तो I found very helpless कि ये तकलीफ में और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अब as a father मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। बाप की दुआ औलाद को बहुत लगती है। देखिए अब यही फादर ये भी कह सकता था कि मैं क्या करूँ, मेरी जवान बेटी चली गई। So it's the way you look at it, and my father changed my perspective of looking at the life. आपकी इस बात से ही कहूँ कि बेटियों के लिए सबसे पहला हीरो जो होता है उसका अपना फादर होता है। उसी के अंदर जो है वो अपना हीरो, अपना आइडियल हर चीज़ को तलाशती हैं, देखती हैं और परवान चढ़ती हैं उनको देखते हुए। इसी तरह बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप अपनी बच्चियों को पॉजिटिव थिंग दें, उनको पॉजिटिविटी दिखाइए ताकि आगे ज़िंदगी उनके लिए आसान गुजरे। बहुत अच्छी बात आपने की कि फादर की दुआ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लगती है। क्या कहते हैं? सही, बिल्कुल। मैं खुद, मेरी बेटियां हैं तो मैं, मुझे तो ऐसा, आपके भी माशाल्लाह फादर भी, और मैं तो मतलब हीरो उनका, वो मुझसे मोहब्बत करती हैं। तो आपने जब अपनी ये मतलब रोटरी क्लब, आप रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर नॉमिनेटेड हैं 2021 आप, तो रोटरी बेसिकली कहते हैं एक एनजीओ, फलाही इदारा है, ठीक है? तो यहाँ इस तरफ कैसे आप मतलब रोटरी क्लब में किस तरह आपने ज्वाइनिंग दिया, कैसे सोचा कि मैं इम्यूनिटी की तरफ काम, लोगों की इस तरह काम करने के लिए मैं जाऊँ? तो पहले से कभी जहन में फैमिली में कोई ऐसा था? कम्युनिटी सर्विस अगेन मेरी फैमिली का हिस्सा रहा। वही बात कि आप जहाँ से, आपके
रोल मॉडल्स होते हैं जिनके गिर्द आप रहते हैं, वो आपके रोल मॉडल्स बन जाते हैं सही. और फिर आपके अंदर वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, दैट गेट्स इनटू योर डीएनए राइट. तो मेरी वालदा बहुत एक्टिव सोशल वर्कर थी, वो पब्लिक फोरम पे नहीं थी लेकिन वो बहुत छोटे छोटे इस तरह के काम करती थी. जंग के दौरान वो हमारे फौजी भाइयों के लिए घर में सेकेंड हैंड स्वेटर्स ला के खोल खोल के उधेड़ उधेड़ के और स्वेटर बुना करती थी बाकायदा उस जमाने में जो. और ये हमारे लिए एक बहुत यादगार बातें हैं सारी. और इसी तरह से मेरे फादर ने हमेशा एक रिमोट एरिया में क्लिनिक रखा, रेंशल लाइन जैसे इलाके में, हालांकि और मेरे भाई ने भी. तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम एक बड़ी जगह पे पूरी फैमिली है अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन किसी ऐसी जगह पे जाके इतना क्लिनिक खोलते, हॉस्पिटल खोलते. और हमेशा एक अंडर प्रिविलेज एरिया में जाके कम्युनिटीज को सर्व किया, लोगों को हेल्प किया. बिल्कुल ऐसी जगह जाके जहाँ पे कि आप. अब मैं बच्चा होने के नाते हमेशा अपने वालिद साहब के साथ क्लिनिक पे जाती थी वीकेंड्स पे, ठीक है, और जाके वहाँ बैठ के उनके साथ I used to observe and see how he works and how he does. So my weekends have always been with him at that in that area. That's nice. So ये तो जैसे ये चीजें आप में जो है वो आप में भी ट्रांसफर हुई है. एडिक्शन की तरह से ना आपको तस्कीन मिलती है, इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप इस किस्म के काम करते हैं, तो ये आपको इनर सेटिस्फेक्शन देती है. बहुत अच्छी बात कह रही है. रोटरी की हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि रोटरी के बारे में अगर हम बात करें, डिफरेंट जगहों पे भी हम देखते भी हैं और मुझे ज्यादा जो मैंने देखा, बहुत से लोग काम भी करते हैं आप जैसे लोग, लेकिन मोस्टली डिनर्स और प्लानिंग्स और पिक्स यही मुझे देखने को मिला है. तो असल मकसद रोटरी का है क्या? देखिए रोटरी जो है ना वो एक कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और ये 7 एरियाज में काम करती है, ठीक है, जिसमें मदर एंड चाइल्ड के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, पोलियो का आप देखें बहुत बड़ा रोल रोटरी ने प्ले किया है पोलियो एरेडिकेशन में, वैक्सीनेशन में. अब हम उसको पोलियो प्लस कहते हैं, यानी अब जो हम कोविड का मसला आ रहा है उसकी तरफ भी, तो इन सारी चीज़ों को हम कैटर करते हैं. एनवायरनमेंट इज द 7th एरिया ऑफ फोकस, एनवायरनमेंट सपोर्ट, ठीक है, तो इस पे हम काम कर रहे हैं. इस तरह से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ है, ठीक है, तो ये सारे एरियाज हैं जिस पे रोटरी काम करता है, 7 एरियाज हैं जिस पे काम करता है, ठीक है. लेकिन जो आप बात करिए डिनर्स और ये सारी चीज, आप लोगों को लोगों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आप ऐसे मौके फराहम करते हैं जहाँ लोग आपस में सोशलाइज कर सके. फलाई दारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक यूनिक एग्जांपल है, ब्लेंड है, जहाँ पे आप सोशलाइज भी कर सकते हो, नेटवर्क भी कर सकते हो, आपकी आउटरीच भी बढ़ती है, आप एक दूसरे की उनकी कैपेसिटी को देख के उनकी स्ट्रेंथ से फायदा भी उठाते हैं और साथ में भलाई काम भी करते हैं. तो ये जो है फेलोशिप जिसको हम कहते हैं, वो भी एक इसका इंटीग्रल पार्ट है. बिल्कुल, मैं एक वक्त में रोटरी का एक हिस्सा हुआ करती थी, बट अब टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं जाती, लेकिन मैंने एक्सप्लेन आपसे इसलिए करवाया क्योंकि बहुत से लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है, उनकी सोच बहुत डिफरेंट होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप इसको क्लियर कीजिए. तो ये चीज़ें जो फेलोशिप होती है ये ज़रूरी होती है. आपको नहीं पता कि कहाँ से कौन आपकी क्या हेल्प कर सकता है, किस तरह लोगों के पास जाके और किस तरह आप जुड़ सकते हैं. क्या कहते हैं? रोटरी क्लब में आपने जिस तरह डिफाइन किया, बिल्कुल आपकी बात भी बिल्कुल सही है, मगर क्या कहते हैं, मैंने भी बहुत सारी अटेंड किए रोटरी क्लब के प्रोग्राम्स, तो सिवाए क्या कहते हैं वो पिक्चराइजिंग के और सेल्फीज के अलावा मुझे वहाँ से कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नज़र नहीं मिला. नहीं मिला नहीं. मैं कुछ जगह में ऐसी जगह भी गया जहाँ मैंने देखा कि नहीं वाकई ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब कुछ है, रिजल्ट आ रहा है ना, क्योंकि कोई भी काम होता है उसका रिजल्ट ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा होता है आपको क्या. मगर मेजोरिटी जो मुझे नज़र आया कि आप जो है वो अपनी तस्वीरें खिंचवाएँ और फेसबुक पे लगा दें. अगर देखा जाए तो इसमें कोई, जिस तरह आपने बातें की कि रोटरी के हवाले से अगर आप पोलियो की बात कर रही हैं, तो उसमें डॉक्टर आतिफ ने भी मेरे ख्याल में काफी चीजें की हैं. देखिए मैं आपको बहुत छोटी सी यहाँ पे मिसाल दूं, जस्ट लास्ट मंथ रमजान के महीने में कितनी जगहों पे राशन गया, ठीक है, हर कोई देता है, ठीक है, उसके अलावा कितने लोगों को जोड़े प्रोवाइड किए गए. और उसमें अब अभी एक हॉस्पिटल है जो कि जिसका के वो नहीं है, काउंटर नहीं है, ठीक है, ठीक है,
और उस हॉस्पिटल ने कैंसर के बच्चों के वार्ड के लिए हमसे कांटेक्ट किया, एज रोटेरियन मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई हम एक ईद बाजार लगा रहे हैं बच्चों के लिए, कैंसर वार्ड के बच्चों के लिए फ्री ईद बाजार लगा रहे हैं, अगर आपका क्लब भी हमें सपोर्ट करेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। ठीक है, छह स्टॉल्स वहां लग रहे थे, हमने कहा जी गर्ल्स, गर्ल्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं। ठीक है, हमने कहा जी ये एक स्टॉल आप हमें दे दें। वो एक हफ्ते फ्री ईद बाजार, जहाँ बच्चे आए, उनका MI नंबर से टोकन मिला, उन्होंने आके अपने पेरेंट के साथ फ्री शॉपिंग की कि वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते तो वो आए, घरों से दूर हैं जो OPD के पेशेंट भी हैं, वो अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उन्होंने आके अपनी शॉपिंग की और अपनी सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखते हुए। ठीक है, तो ये वाले काम होते हैं, हो रहे हैं, रोटरी के तो ये मैं आपकी बात को आगे लेके जा रही हूँ, फोटोशूट नहीं है, आप काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे और लोग भी बहुत कम हैं जो काम हो रहे हैं, और लॉटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक इस तरह का एक इदारा है जहाँ पे लोग मिलते हैं, यूनाइटेड होते हैं और एक दूसरे की सोच का पता चलता है, लेकिन बहुत उसमें मेरे ख्याल में अगर आप जैसे लोग अगर और 10 मिल जाएं तो ये काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि देखिए रोटरी जो है ना, ये एक कोई नेशनल इदारा नहीं है। ठीक है, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज बीन देयर फॉर मेनी 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 इयर्स, और कराची नहीं, पंजाब नहीं, हर जगह ये मौजूद है, दुनिया के हर कोने हर खत्ते में पाया जाता जी है। जी। तो हम उनसे बाहर के लोगों से भी सोशल वर्क सीखते हैं, कम्युनिटी सर्विस सीखते हैं, वहाँ किस तरह से काम हो रहा है। अब ये हमारे ऊपर है और हमारे अंदर है कि अगर आप मेंबर हैं, आप उसको किस तरह से उस फोरम को यूटिलाइज करें। ठीक है, और एग्जीक्यूट करें, अपने आइडियाज लाएं, उनके आइडियाज को अडेप्ट करें, अडॉप्ट करें, एग्जीक्यूट करें। ठीक है, सो देयर इज अ ट्रेजर बॉक्स, वी हैव टू जस्ट पिक एंड टेक द बैटन एंड रन। Right. अभी जैसे आप कह कहते हैं असिस्टेंट गवर्नर इलेक्ट हुई है, ठीक है, रूटी बिल्कुल छोटे छोटे बहुत सारे काम्स कर रहे हैं, क्यों नहीं है जब इतना बड़ा इंटरनेशनल इदारा जिसकी जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कह कहते हैं जो है ना मंथली इनकम, आप लोग की आपके मेंबर्स आपको पैसे भी देते हैं, ठीक है ना, आपको बाहर से भी फंडिंग होती है, रोटरी देता है रोटरी इंटरनेशनल, तो कोई एक बड़ा पॉजिटिव काम करें, कोई एक इस शहर के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाएं जहाँ पे लोगों को सर्व किया जा सके, या कोई एक ऐसा स्कूल बड़ा बनाया जाए, ये स्कूल के अंदर स्कूल भी हो, कॉलेज भी हो, यूनिवर्सिटी हो, जो हमारे यहाँ लिटरेसी रेशियो है बहुत सारे, आप रिमोट एरियाज में जाएं, बच्चे बच्चियाँ नहीं पढ़ते, फैमिली की वजह से नहीं पढ़ पाते, देखिए खाना और कपड़े तो सभी बांट रहे हैं, हमारे बेसिक हमारा चीज़ें हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास हैं, हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, कि अगर उस बच्चे को एजुकेशन किसी घर के बच्चे को हम पढ़ा देते हैं फ्री में, वो पढ़ के निकल आता है, तो वो या फिर कोई एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ पे लोगों को कोई टेक्निकल हैंड प्रोवाइड किया जाए, कोई उनको कि कोई कारपेंटर बन जाए, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाए, कोई मतलब उसको कोई ना कोई उसको चीज़ दी जाए कि वो कुछ कमाने वाला इंस्टीट्यूट बना हो, ऐसा इंस्टीट्यूट, तो रोटरी इस पे क्यों नहीं आता, इस पे क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मौजूद है, इस पे रोटरी बिल्कुल मौजूद है और काफी सालों से मौजूद है, इसको हम कहते हैं RPLM रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन। अगर आप परसों का अखबार उठा के देखेंगे तो सईद गनी साहब से जाके रोटरी के, रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन के नेशनल चेयरमैन जाके उनसे मुलाकात की कि हम गवर्नमेंट स्कूल पे जितना हम आपके साथ मिलके फोकस कर सकते हैं, हम आपके साथ सपोर्ट भी करेंगे और अभी कर भी रहे हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय रोटरी और उनको एम्पावर भी किया जा रहा है, कई मोबाइल लाइब्रेरीज हैं जो अलग अलग, जहाँ बच्चे नहीं पहुँच सकते वहाँ लाइब्रेरीज पहुँच रही है, इवन गाँव घोट में आप देखें वहाँ पे भी जाके जो है उन बच्चों को अवेयरनेस दी जा रही है। हाँ, ग्वादर जैसे इलाके में साहिल पे जो है, साहिल पे बाकायदा कंटेनर लाइब्रेरी बनाई गई है और रोटरैक्स जाके वहाँ बच्चों को पढ़ पढ़ के सिखाते हैं, सुनाते हैं, तो ये सारे काम बिल्कुल हो रहे हैं।
अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आते और अब आप लोगों के थ्रू ये मैसेज जा भी रहा है कि ये काम हो भी रहा है, इस पे ग्रांट्स भी लिखी जाती हैं जैसा आपने कहा, ग्रांट्स अप्रूव भी होती हैं और उस ग्रांट के थ्रू बहुत सारे स्कूलों में कहीं फर्नीचर नहीं है तो कहीं फर्नीचर डलवाया गया, कहीं लाइब्रेरी नहीं है। अब हम ई एजुकेशन की बात करें क्योंकि कोविड ने हमें बताया कि हम इसके ऊपर अपने टीचर्स को एम्पावर करने की, बिल्कुल हम इस पे आपसे बात करेंगे, मगर इस टाइम एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। अब रोटरी के बारे में आज हमें इतना कुछ जानने को मिला कि रोटरी जो है वो क्या कर रही है, मगर फिर भी मेरा फिर वही आपसे एक सवाल है कि आप चलें, बहुत अच्छी बात है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स आप लोग के कहते हैं अडॉप्ट कर रहे, रोटरी अपना क्यों नहीं कोई इदारा बनाता ऐसा कि जहाँ पे आपका एक प्रॉपर एक कराची के अंदर एक रोटरी क्लब का दफ्तर होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो वहाँ आके, मतलब आपने बिल्कुल आपने क्लब्स बनाए हुए, इतने सारे क्लब्स बनाए हुए, हर क्लब छोटे हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पे आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन रोटरी का अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। रोटरी गवर्नर ये कहा जाए कि रोटरी का ही एक मेन दफ्तर है, वहाँ पे कोई भी जाए और अपनी कोई उसको एजुकेशन के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे वहाँ जाके कनेक्ट करे और उसको फिर वहाँ से उनकी कनेक्शन नीचे जहाँ कराया जाए वो कराया जाए। रोटरी का अपना, जब रोटरी एक इदारे के पास जब इतनी फंडिंग है, एक इदारे का अप्रोच है कि मुझे यहाँ तक पता लगा कि रोटरी इंटरनेशनल के जो गवर्नर थे जब वो यहाँ आए तो उनको प्राइम मिनिस्टर से भी मिलाया गया, उनको आर्मी चीफ से मिलवाया गया, यहाँ से कोई रोटेरियन बाहर जाता है तो वो इजीली वहाँ के किसी भी बड़े आदमी से अगर मिल सकता है क्योंकि वो भी रोटेरियन होता है, वो उनसे मुलाकात होती है। जब रोटरी जब इतनी फॉलोशिप करता है, लोगों से कनेक्ट करता है लोगों को, तो आपका एक अपना इस जगह पे कराची शहर में एक अच्छा एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए था जिसको आप लोग रन कर सकते थे, एक अच्छा बड़ा स्कूल होना चाहिए था जिसको आप रन कर सकते थे, इस पर क्यों नहीं जाते आप? ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बिल्कुल हैं। एट द सेम टाइम री इन्वेंटिंग द व्हील इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। जब एक खाली बिल्डिंग आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है ना, उसमें गाय भैंस बकरियां बंधी हुई हैं, तो आप दोबारा से वही उस एक नई बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करें उसके बजाय आप वही पैसा चार और स्कूल में जहाँ पे भैंसें बंधी हुई है उसको साफ सुथरी करवा के फर्नीचर लगवा के उस पर क्यों ना इन्वेस्ट करें, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं दोबारा से आपको यही बात कहूंगी कि देर आर नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ क्लिनिक्स वेयर रोटरी हैज इट्स फुटप्रिंट, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। एक्चुअली आप अपनी जगह ठीक कह रही हैं, इमान साहब का जो पॉइंट था वो ये था कि अगर हम फर्ज करें, मैं आपको किसी भी, अब अगर मैं आपके कुछ ग्रुप्स होते हैं, राइट, ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं या डिफरेंट आपके बन जाते हैं, मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं आपके ग्रुप में आके उसको डोनेट भी करना चाहती हूँ, काम भी करना चाहती हूँ, हेल्प भी करना चाहती हूँ, राइट, तो उसमें ये होता है कि अगर आपके पास कोई अपना एक ऑफिस का इदारा यानी रोटरी का अपना कोई इदारा इस तरह का नहीं है, अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कहाँ करें? एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप सिर्फ myrotary.com कनेक्ट करें, ठीक है, आप अपने मतलब का क्लब आप जिस एरिया में भी है, ठीक है, आप फाइंड आउट कर सकती हैं। ऑल यू नीड टू डू इज आपको बताना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग रोटरी, आई एम इंटरेस्टेड इन डोनेटिंग फॉर इट, व्हाटएवर जो आपकी क्वेरीज हैं, एफएक्यूज हैं, सब कुछ आपको सिर्फ माय रोटरी पर जाना है और वहां पे आपको मिल जाएगा, सब जिस इलाके में आप मौजूद हैं दुनिया के वहाँ की एड्रेस भी मिल जाएगा आपको, दफ्तर का भी, आपको गवर्नर का एड्रेस भी मिल जाएगा
और जो आपका नजदीक तरीन क्लब है उससे आपको कनेक्ट भी कर दिया जाएगा। अच्छा लुबना, शुरू में आपने बताया आपकी बहन को भी कैंसर था तो उनकी डेथ हो गई उसकी वजह से, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल एम्बेसडर भी हैं शौकत खानम में, विच इज़ वेरी गुड और बड़ी अच्छी एक प्राउड की बात है, क्योंकि आप माशाल्लाह ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हैं जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान साहब अब बने हैं, मगर उनके दिल में जो हमदर्दी थी वो तो बहुत सालों से थी। तो इसमें आप आपका क्या रोल है और क्या काम कर रही हैं और किस तरह लोगों तक पहुँचती हैं? देखिए फिर वही बात कि वॉलंटियरिज्म का जज्बा, लोगों तक पहुँचना, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया वो आप दूसरों तक पहुँचाएं। ठीक। ये कनेक्टिविटी मेरी इनके साथ कुछ रोटरी के थ्रू ही हुई और कुछ जो आई लॉस्ट माई मदर विद ब्रेन मेनिंजियोमा, मेनिंजियोमा था उनको, कैल्सिफाइड था, लेकिन एंड में जाके उनका इंतकाल जो है वो कार्डियक अरेस्ट से हुआ, लेकिन एक फेस था जो मैंने उनको गुजरते देखा ठीक स्टेप बाय स्टेप 15 साल तक। फिर मैंने अपनी बहन को जाते देखा कैंसर से, तो कैंसर बिकेम वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फिर मैंने लोगों को देखा कि वो किस तरह से इसको अपने जब मैंने मेरे लर्निंग कर्व्स थे, जब मेरी सिस्टर मुल्तान में थी उनको वहाँ पे ये प्रॉब्लम आया इसका और हमें उनको वहाँ से कराची लेकर आ, वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं वो गई थी विजिट करने अपनी बेटी के लिए, दिस वाज सच अ साइलेंट कैंसर कि विद इन अ वीक वहाँ हमें पता लगा कि शी हैज गॉट डिसओरिएंटेड एंड शी हैज टू गेट बैक टू कराची, वो रहती कराची में थी। ठीक। तो अब हमें क्या करना है जी, अब हमें उनको कराची वापस लाना है, शी कैन नॉट कम बैक थ्रू फ्लाइट, बाय रोड लाना है। अब हम वी आर लुकिंग फॉर एन एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस से कैसे कनेक्ट होना है पता नहीं चल रहा है, सो वी हैड टू फाइंड आउट एंड वी हैड इतनी सारी चीज़ें। अच्छा हु इज द राइट, हम बहुत दफ़ा अक्टूबर में पिंक अक्टूबर मनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स कर रहे होते हैं। पिंक टी पार्टी शौकत खानम का एक सिग्नेचर इवेंट है जी, वो मैं कुछ सालों से रेगुलर करवाती रही रोटरी के थ्रू, ठीक है, वो बड़ा एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ, वो मैं हम रिपोर्ट करती रही शौकत खानम पे, ठीक है। तो इन्होंने एक हमें मैसेज भेजा कि वी वुड लाइक यू टू बिकम एन एम्बेसडर इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई सेड ओके व्हाई नॉट आई वुड लव टू। तो इस तरह होते होते जब आप ये ख्याल आया कि जी आप एक इवेंट कर दे, तो वही आपकी वाली बात की तस्वीर सिर्फ कि बहुत सारे लोग जाते हैं वॉक करके आगे अवेयरनेस, और फिर उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के बाद आपने लोगों से कह दिया जी मैमोग्राम करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, लेकिन उसके बाद अगर खुदा ना खासा आपकी रिपोर्ट में कुछ आ गया तो आपको नहीं पता आपने कहाँ जाना है। सही सही। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको नहीं पता कि आप के पास कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो लाइक आप लोगों के साथ जब ज्वाइन होती हैं उनको अवेयरनेस देते हैं, आप लोग उनके साथ बताते हैं उनको। एग्जैक्टली। तो शौकत खानम से इस तरह ग्रेजुअली उनसियत बढ़ती चली गई कि ये एक ऐसा इदारा था जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा है सर्विसेज, तो व्हाई नॉट बिकम देयर वॉइस, why not volunteer for them, this is how I got connected with Shaukat Khan. That's nice ji. वैसे भी हम हमेशा कहते हैं, मैंने भी last time जो हमारी first lady हैं जो governor उनकी हमारी जो सदर साहब की wife है उन्होंने किया था, मैंने उनका उनके साथ काम भी किया था governor house में, हमने उसको जाके पूरा clip सारी चीज़ें भी की थी, देखा भी था जाके, और वहाँ भी मुझे भी ये पता चला बहुत सी चीज़ें। और मैं अपने शो में भी कहती हूँ मुख्तलिफ चैनल्स में भी ये चीज़ कि अगर वो खवातीन जो ये शो देख रही हैं और जो दूसरे लोगों को भी अपनी बहन को भी बताइए कि खुदा ना साहब की बॉडी में कहीं भी कोई गुटली आपको महसूस होती है तो उसको इग्नोर नहीं करें, आप लाजमी अपनी बॉडी में कोई भी छोटी से छोटी चेंजिंग आपको नज़र आती है महसूस होती है तो वो आप लाजमी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आप उसको इग्नोर कर देते हैं। और मेरी अपनी फैमिली में ये हुआ कि मेरी खाला ने ये किया कि उन्होंने इस चीज़ को वो नहीं किया कि भाई नहीं, वो जो पता चला कि वो गुटली इतनी बड़ी हो चुकी थी तो वो कैंसर का लास्ट स्टेज था। तो इस तरह मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस आप लोग दे रहे हैं लोगों को जो कि बहुत ही अच्छी बात है, अपना टाइम निकालना, खुद इसके अलावा भी आप बहुत कुछ करती हैं। इसके लिए मैं जरूर एक बात बताऊंगी कि ये अवेयरनेस के साथ साथ बहुत से लोग शाय होते हैं इस चीज से, बिल्कुल शाय अवे। मैंने एक अभी एक खातून से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने कहा जी आई न्यू दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम बट आई डिड नॉट शेयर इट विद माय फैमिली बिकॉज़ आई वाज शाइंग ऑफ।
एक और खातून मुझे मिली, उन्होंने कहा मुझे पता था कि मेरा ये मसला है बट मैं नहीं, लेकिन मैं वो टेंशन से गुजरती रही कि मैंने अपने घर में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मेरी बच्ची का इम्तहान था, वो परेशान हो जाती, वो उसके इम्तहान से डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए मैंने ये बात दबाए रखी जब तक वो इम्तहान नहीं दे देती, और उसमें उसने काफ़ी वक्त निकाल दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। मैं आपको यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमने एक ऑनलाइन कैंसर सपोर्ट सोशल ग्रुप बनाया है, ठीक है, ठीक है, कि जो अपने घर के घर वालों के साथ कई दफा आप नहीं शेयर करना चाहते हो, ऐसी बातें कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते हो, तो इस ग्रुप में आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। दोबारा बताइएगा किस नाम से बनाया है? CSSG कैंसर सपोर्ट सोशल ग्रुप, CSSG। ये ऑनलाइन ग्रुप है, ठीक है, ये आपकी मॉनिटरी सपोर्ट नहीं करता है, बट वी लेंड आवर शोल्डर्स एंड आवर इयर्स टू यू, वी हियर एंड वी कनेक्ट यू टू द राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट, ठीक है ना। ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आप अपने घर में अपने बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं या बहुत से ऐसे मर्द हजरात भी हैं जो अपनी चीज़ें किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। आपको पता है कि बड़ी एक सीरियस बात भी है और हंसने वाली भी है। एक जगह हम बैठे हुए थे तो वो मजाक उड़ाने लगे हमारे कज़िन, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर आप लोगों को पता है हार्ट अटैक से मर्द हजरात ही जाते हैं, ख़वातीन बहुत कम जाती हैं। तो हम हंसने लगे, हमने तो मजाक में इस चीज़ को लिया, बट द रीज़न इज़ दैट बिहाइंड ऑफ दैट कि मर्द जो है वो अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। ख़वातीन गॉसिप कर लेती हैं, शेयर कर लेती हैं, लड़ लेती हैं, दिल की बात अपनी कह देती हैं। तो मर्दों के लिए भी हमारी यही उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदा नास्ता अगर आपको भी अपनी बॉडी में कोई चेंजिंग नज़र आ रही है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई तकलीफ दामल है, तो अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो फैमिली फिजिशियन होना चाहिए। And I'm glad you have touched this point, क्योंकि जब हम ये अवेयरनेस की बातें करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से जब बात हो रही थी अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो एक हमने बड़ा इसको ओपन रखा था, हमने एक जिम खाना में वॉकिंग ट्रैक के साथ गार्डन में इसको अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, तो मर्द हजरात भी सुन रहे थे। और जब हमारे एक मेल डॉक्टर ने आकर इसके ऊपर टॉक दी और उसने कहा कि जी ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी होता है, तो पीपल वर लाइक ओके वी नेवर न्यू अबाउट इट। सो ये अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, ये मर्दों में भी पाया जाता है, और ये माना कि कम उसमें है लेकिन स्टार्ट तो है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो इससे हटके हम बहुत सीरियस, सुबह सुबह का टाइम है हम क्योंकि हमने आज लुबना साहिबा को इसीलिए बुलाया कि थोड़ा सा रोटरी के हवाले से आपको पता चले आपका दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं बहुत से ग्रुप्स में कि नहीं जी हमने ज्वाइन नहीं करना है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी ये चीज़ आपको पता चल जाए, थोड़ा सा कैंसर के हवाले से आपको पता चले, थोड़ा सा नहीं बहुत। मुझे जो थोड़ा सा लगा रोटरी क्लब का कि इतना मुझे पहले नहीं पता था रोटरी क्लब का, मगर मैं इस दफ़ा जो आपके रोटरी क्लब की जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी फेमस फेमस है, और उनके वजह से जो है उनके गवर्नर बनने की वजह से जो है रोटरी काफ़ी फेमस हुई है यहाँ पर, मतलब बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर रोटरी के बारे में पता लगा है। देखिए इसमें बिल्कुल ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर फरहान ईसा बहुत एक्टिव और वाइब्रेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आने वाले साल के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं डॉक्टर आफ्ताब इमाम, रोटरी, क्योंकि रोटरी में स्टेजेस होते हैं, इंटरैक्ट जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे होते हैं उनके साथ, फिर रोटरैक्ट जो हमारा यूथ को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन और चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, और डॉक्टर आफ्ताब इमाम इंटरैक्ट भी रहे, रोटरैक्ट भी रहे, और उसके बाद रोटेरियन भी रहे, और अब जाके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। तो आप सोचें कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी जिंदगी इसको दे दी है अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनटू द सिविल सर्विस। तो आप सोचें कि ये कितना स्ट्रॉन्ग गवर्नर अब आने वाले दिनों में भी है, अभी भी और आने वाले दिनों में भी। तो यूथ के साथ कनेक्टिविटी भी हमारी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि पिछले दिनों हमने एक क्लिप देखी जहाँ हमारे यंगस्टर स्टूडेंट्स कहीं पथराव हो रहा है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, सो हार्ट रेंचिंग, बड़ी दुख की बात थी वो, और फिर वो काफी पॉलिटिसाइज भी हुआ कि वो मैट्रिक एग्जाम्स को लेके, एग्जैक्टली मैट्रिक एग्जाम्स को लेके। अब वो क्या था, वो हमारे यूथ के अंदर एक कंफ्यूजन है, हमारे यूथ के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है लुबना, हाँ,
हमारे यूथ में फ्रस्ट्रेशन है, हमारे यहाँ नौजवान नस्ल जो है, अगर वो उसने मैट्रिक करने के बाद भी बहुत से लोगों को काम करना पड़ता है और बहुत से लोगों को मैट्रिक से पहले भी काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ नौजवानों के पास कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, कोविड ने कमर तोड़ दी है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जहाँ जिसकी निकलती है। अभी देखें आप, मैं आज सुबह ही देख रही थी कि लड़के ने खुदकुशी करने की कोशिश की जी नाकाम मोहब्बत से जाके, तो उसको किस तरफ लेके जाएगा कि वो सिर्फ नाकाम मोहब्बत ही नहीं थी, उसके और भी पीछे बहुत सी चीजें थी कि वो फ्रस्ट्रेट था। या बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ये कोविड में जब घर पे बैठे हैं ना बच्चे, तो ये इस फ्रस्ट्रेशन में एडिशन हो गया। कोविड नहीं, एडिशन हो गया, एडिशन हुआ है। कोविड से पहले भी यही सूरत हाल थी हमारे। एक्चुअली मसला ये कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है ना, हमारे यहाँ तालीम के ना दो मेयार बन चुका है ना, एक बिल्कुल लोएस्ट और एक बिल्कुल। अब कोई मिडिल क्लास भी ना वो नहीं सोच सकता अपने बच्चे को इकरा और क्या कहते हैं जो ना दूसरे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही नहीं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको पढ़ाना उनको बड़ा मुश्किल है। सही है, स्कूल्स के भी वही हाल हो चुके हैं कि आप किसी गली मोहल्ले के भी स्कूल में जाएंगे तो वो 3,000-4,000 रुपये फीस होती है और एक आदमी 25,000-30,000 रुपये कमा रहा है, तो कैसे करेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक, जाना कहीं नहीं। वेलकम बैक। हम अभी इस पर बात करते हैं, यूथ के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारी जो यूथ है कहना कि वो ज़रूर जॉब्स नहीं है, ठीक है, इनकम नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे मामला थे, मगर कहीं ना कहीं यूथ की अपनी भी गलतियाँ हैं। क्या कहते हैं लोग जो है दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो जो वहाँ की यूथ है वो जॉब भी करते हैं मगर वो क्या कहते हैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा उनका ध्यान होता है। पर हमारे यहाँ अगर आप रात 10 बजे के बाद अगर घूम लें चाय के होटलों पे, तो आपको कराची की सारी यूथ चाय के लोग होटलों पे बैठ चाय के होटलों में मिलेगी, गेम खेलते हुए मिलेगी, पत्ते खेलते हुए मिलेगी, सिगरेट पीते हुए मिलेगी, बिल्कुल बात है। ये तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, इसकी भी वजह हमारे पास इदारे नहीं है ऐसे। हमारे पास पहले लाइब्रेरीज होती थी गली मोहल्ले में किताबें पढ़ने की, ठीक है, स्कूल छोटे छोटे मोहल्लों में क्या कहते जो है ना वहाँ पे जो असाज़ा होते थे या जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को लेके बैठते थे, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बच्चे को डांट सकता था। अब तो क्या कहते घर में क्या कहते हैं सगा भाई जो है वो अपने भाई को नहीं डांट सकता। एक हमारा दुश्मन आ गया ना और हमें अपने यूथ को भी और अपने एडल्ट को भी दोनों को इस चीज के लिए गाइड करना बहुत जरूरी है कि वो अपना स्क्रीन टाइम कितना रखते हैं। ना सिर्फ ये कि स्क्रीन टाइम कितना रखते हैं बल्कि उस स्क्रीन टाइम को कितना पॉजिटिवली यूज करते हैं, ठीक, और कितना उसको क्रिएटिवली यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ तस्वीरें डालना जैसे कि अभी बात हो रही थी, दैट इज नॉट मोस्टली जगहों पे ये हो रहा है, दैट इज नॉट ऑन, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। आपको खुद को लगता है कि हमारी बड़ी मार्केटिंग हो रही है इस पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा होता है, ठीक है। वो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग हो रही होती है कि ये सुबह से शाम तक बैठे टिकटॉक खेल रहे हैं, ये सुबह से शाम तक बैठ के पबजी खेल रहे हैं। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वो आपके अंदर और किस्म का फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है जब आप देखते हैं कि अरे इसकी पोस्ट, ये तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच के रातों रात और मैं यहीं बैठी हूँ और यहीं बैठा हूँ। जो आपको नजर आता है वो ऐसा होता नहीं है। उतारा इस बात पे प्लीज यकीन कर लें कि जो हर दफा जो दिखता है वो बिकता है नहीं होता। सही, राइट, ठीक है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, चीज सोना नहीं होती है। अंदर से क्या है वो कुछ और है, दुनिया को दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, बिल्कुल सही। तो हमें इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि हम उस डिजिटल डिवाइस को अच्छी तरह पॉजिटिव वे में यूज करें। अपना अगर आप रात को सारे दिन में क्या किया क्या नहीं, अगर वही यूथ उस दिन के एंड में बैठ के ये लिख ले कि मैंने कितनी नमाजें दिन में पढ़ ली थी, एक ब्लॉग रिफ्लेक्शन ब्लॉग लिख ले शाम में कि मैंने कितनी नमाजें पढ़ ली, एक नेकी का काम किया है सारे दिन में या नहीं, माँ बाप के पास कितना वह गुजारा है और बुजुर्गों के पास कितना वह गुजारा है। अगर नहीं गुजारा आपका दिन बेकार गुजरा, बिल्कुल ठीक है ना।
उनकी दुआएं लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने की, और मुझे ये भी साथ साथ आपसे जानना था कि हम, क्योंकि आप रोटरी के हवाले से बहुत सारे काम करती हैं, तो कुछ ऐसा भी प्लेटफॉर्म आप कीजिए, लोग आपसे इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो उनसे इस तरह की भी बात करके जो हमारे यंग जनरेशन है जिनके पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है, जॉब नहीं है, करने को तो यकीन करें जिन्होंने एम बी ए किया वो उन्होंने अपने साइकिलों पर भी काम शुरू कर दिए हैं, करने वाले लोग तो साइकिलों पर भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी मैंने पंजाब में देखा वो अपने बाप की मोटरसाइकिल लेके दूध बेच रही है, इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन आप इस तरह भी किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको खड़ा कर सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं। और इसमें भी मैं बड़ा फखर से आपको बता सकती हूँ कि जैसे मैंने भी आपको कहा था कि रोटरी के 7 एरियाज ऑफ फोकस है, उसमें से एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और उसके अंदर आपकी सारी वोकेशनल ट्रेनिंग का एक पूरा महीना भी मनाया जाता है, वोकेशनल एम्पावरमेंट का एक पूरा महीना मनाया जाता है। और इसमें बाकायदा आप ये नहीं कि बेर खाना सिखाएं, बल्कि मछली खाना, यानी मछली खाना, मछली पकड़ना सिखाएं या बेरी लगाना सिखाएं, जिस तरह आप उस मामले को इस्तेमाल करें कि मछली खाना ही नहीं बल्कि मछली पकड़ना भी सिखाएं, तो बिल्कुल उनको बाकायदा फ्रूट सेलर्स को फ्रूट के रेड़े दिलाए गए ताकि उनका एक कारोबार लग जाए, ये तो एक रोजगार दिलाने की मौके दिलाने की बात है। दूसरी तरफ एम्पावरमेंट की बात आती है तो कई वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारे मौजूद हैं, आप जाके देखें तो आपको लगेगा कि सिलाई कढ़ाई से लेके हर चीज सिखाई खवातीन को भी जा रही है, लड़कों को भी जा रही है। फोटो जर्नलिज्म पे मेरे अपने क्लब ने काम किया, ठीक है, हमने उनको फोटोग्राफी सिखाई और उसके साथ वो आजकल चूंकि ये ट्रेंड है जो हम डिजिटल डिवाइस की बात कर रहे थे तो उसको पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए सिर्फ मशवरे ही नहीं देने करके भी दिखाने के भी कैसे करना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको दिखाया हमने बीच यू पे ले जा करके कि ये एक्सपर्ट्स के साथ, ये एक्सपर्ट्स हैं, इनके साथ आओ, आपको सर्टिफिकेट भी हमने उनको दिलवाया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, कि कहीं भी वो जाएं तो उस सर्टिफिकेट को उनके सीवी में वो शामिल भी कर सकें, बिल्कुल सही। वोकेशनल ट्रेनिंग इसको दी, इस तरह से दिलाई, इस तरह हमने उनको एम्पावर भी किया, हॉबी भी डेवलप हो और एम्पावर भी, डेफिनेटली ये काम भी चल रहा है। वेरी नाइस लुबना, इतनी बिजी रहती है, अपने लिए टाइम निकलता है? ये अगेन अपने लिए अगर वक्त नहीं निकाला तो आप किसी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे, अपनी सेहत, अपना अपना ख्याल पहले रखना है। क्या हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज, आई एम नेचर लवर, नेचर लवर, आई हैव अ ग्रीन थंब अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन दिस कम्स टू मी फ्रॉम माय आंट एंड माय अम्मा। मेरी वालदा को मैं कल ही याद कर रही थी, मैं अल्लाह ताला ब्लेस हर सोल, कि कल हमने इतने ढेर सारे नारियल अपने दरख से उतार के खाए, ओके, मतलब उतरे तो फिर मोहल्ले में भी बढ़ते हैं और दोस्तों में भी, और जब उसका ठंडा पानी आप फल अपने घर के फल का पीते हैं तो उसका अपना मजा है, मजे के साथ साथ उसके फायदे भी बहुत हैं, आपको एंटी एजिंग से आपके बचाता है, स्किन को टाइट रखता है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, आपको यंग रखता है। अब मेरे घर में बड़ा सारा जामुन के दरख्त है, हमारे लिए जामुन के लिए लेकर आए हो, अभी और मजीद पर जा रहे हैं, ठीक है, सो यू गो फॉर द ऑर्गेनिक फूड, लेकिन आपको अपने पौधों से, अगर इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट, बिलीव मी यू, आप अपने पौधों से प्यार करें, आप उनसे बातें करें, आपको बड़ा मजा आया। आप तो मेरी वाली बात करी, मैं एक जगह बैठी हुई थी, मैंने कहा मैं पौधों से बातें करती हूँ, जवाब आते हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, मैं तुम्हें जवाब आते हैं, मैंने कहा हाँ मुझे जवाब आते हैं, क्योंकि मुझे सवाल वो मैं करती हूँ, वो मुझे हिला के जवाब देते हैं। असल में आप सही कह रही है, पौधों से बातें करने का बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं एक हर्बलिस्ट भी हूँ, मुझे खुद भी नेचुरल चीजों से प्यार है, मैं खुद भी मशवरा देती हूँ, आप ये बात भी कर रही हैं, और साथ साथ में आप लोगों को ये भी, आप ये भी मैसेज जरूर दीजिएगा कि जी अपने घरों में नीम के पौधे जरूर लगाइए, क्योंकि नीम के पौधे जो है वो आपके जरासीम को, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, जितनी भी चीजें हैं उन सबको वो खत्म करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल ऐसा। आप भी जरूर मैसेज दीजिए, ये ना सिर्फ ये बल्कि मैं तो कहूंगी कि कल हम नीम के पौधे, कल आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, ठीक है, ठीक है, 5 जून इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इंतजार मत करें, कल ही लगाएं, तो बस हम आपके साथ मिलके लगाते हैं, मैं आपको दूंगी, I will donate the plant if anybody wants it, I am there,
मेरे घर में बड़ा नहीं, सारा सा नीम का पौधा लगा हुआ है, उसकी निम्बोलिया में कहीं नहीं जाने देती। आपके नॉलेज के लिए कि हमारी भी अपनी एनजीओ है, हम शाहीन फाउंडेशन, तो हमने कल प्लान किया हुआ है, प्लान हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमने भी कल हम है शाहीन की तरफ से प्लांट्स लगाएंगे नीम के, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी मौका देंगे, क्योंकि टाइम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बातें हुई, आपने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत कुछ लोगों तक बातें पहुँचाई, तो कैंसर के हवाले से, रोटरी के हवाले से, लोगों का दिमाग चेंज करने के, डिजिटल चीज़ों को आप किस तरह पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको आया होगा पसंद। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फराग को, मात को, लुबना पंजवानी को, पंजवानी को, जाते जाते आखिरी मैसेज, अपना मास्क जरूर पहनिए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और हाथ फ्रीक्वेंटली धोइए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।